हाय नमस्कार फ्रेंड्स मु विभूति आपन को स्वागत करूची इंडिया रा लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफार्म अनिकाजी को। फ्रेंड्स समस्तिंको मो तरफ रु स्वागत एंड आपन माने अनिका एडमी लाइव ओपीएससी YouTube चैनल को देखु चंती। फ्रेंड्स आज मो सहित अछंती जने हाई कोर्ट एएस। यस फ्रेंड्स आपन माने जानिथिबे रिसेंटली हाई कोर्ट एएस रो रिजल्ट बाहर सारी आउ ए संग्राम जीत विश्वाल आज संग्राम सर मो सहित अच्छा आज आम सहित डिस्कसन करवा प्रिपेरेसन स्ट्राटेजी टाइम मैनेजमेंट से कौन कौन करते प्रिपेरेसन टाइम से सब विषय में जानवा। सो फास्ट संग्राम तुमको वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मूल्यवान समय तुम आम सहित दौच राइट तुम बिजी शेड्यूल तुम टाइम काढ़ आसीच। ओके सो संग्राम फास्ट तुमको मो क्वेश्चन मोर रता जो दिन तुम रिजल्ट बाहर राइट कितने खुशी थिला सर? खुशी तो से अलग प्रकार फिलिंग्स गुटे थिला आउ मोर खुशी ठार अधिक खुशी थिला मो घर लोक बापा मा रिलेटिव्स बहुत खुशी थिले तो तांको खुशी देखी मत आधिक खुशी लगुला तो से फिलिंग्स टा को कही हबनी किंतु से गोटे अलग टाइप फिलिंग थिला माने एते दिन पढ़ी सरला पर गोटे फाइनाल रिजल्ट आसो आ से खुशी गोटे माने माने आउट ऑफ वर्ड्स थिला गोटे। ओके सो संग्राम आम जानवाक चाहेबू तुम प्रिपेरेसन स्ट्राटेजी कौन थिला ता पूर्व आम जानवाक चाहेबू तुम आ पूर्व कि एग्जामिनेशन दे हाईकोर्ट एएस पूर्व सर? हाईकोर्ट एएस पूर्व बेसिकली मोर बैकग्राउंड इंजीनियरिंग थिला तो मो इंजीनियरिंग रो एग्जाम गेट आईएएस एग्जाम ही देथिले। अच्छा अच्छा तो कॉम्पिटिटिव रे मो फर्स्ट हाईकोर्ट एएस पूर्व ओएस रो प्रीलिम्स देथिली तो सेटा मोर फर्स्ट एग्जाम थिला। अच्छा आ हाईकोर्ट एएस सेकंड एग्जाम थिला माने एटा कहिया गले तमे सेकंड एग्जाम आउ क्रैक करि गलो। वाओ बहुत बढ़िया एटा बहुत कम पिलांको भाग्य रे थाए बहुत बढ़िया कथा। संग्राम मु जानिया चाहे भी तमे तमा प्रिपेरेसन हाईकोर्ट एएस पई केबे थरु स्टार्ट करलो? सर बेसिकली कह गले मो प्रिपेरेसन जोड़ा स्टार्ट हेतला ओएस पई स्टार्ट हेतला तो ओएस पई स्टार्ट हेतला ता सहित हाईकोर्ट एएस रो नोटिफिकेशन जेबे स्टार्ट हेला तो ता सहित पैरालल चलथिला काई ना सिलेबस प्राय सेम थिला केवल सी सेट रे भी हमर मैथमेटिक्स रीजनिंग थिला हाईकोर्ट एएस रे भी से सेम सिलेबस थिला तो मोर मेन फोकस थिला ओसीएस एग्जाम पई तो हाईकोर्ट एएस पई ता सहित पैरालली प्रिपेरेसन चलथिला। अच्छा संग्राम मु जानिया को चाहे भी कि जेतबेले तमे प्रिपेरेसन करथलो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मानकर क्वेश्चंस थाए तमे हाईकोर्ट एएस पई जो तमे प्रीलिम पई प्रिपेरेसन करथलो या तमे ओसीएस प्रीलिम पई प्रिपेरेसन करथलो तमे को सब इंपोर्टेंट बुक्स फॉलो करथलो कौन बुक्स सब तमे देखुथिलो माने प्रीलिम पई जदि तमे कहबो जेते तमे हाईकोर्ट एएस प्रीलिम परे मेन देन तापरे स्किल टेस्ट देन तापरे वाइवा हला प्रीलिम्स पई को बुक फॉलो करथलो स्टूडेंट्स माने नियाती जानिबो चाहेंगे? सर प्रीलिम्स पई तो मो स्टार्ट करथिले जेबे मोर पूरा जीएस रे मु कहिछि जे मु इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रो आछि तो जीएस रे मोर पूरा जीरो रो स्टार्ट करथिले तो सेटा सर अपन जानजन तो मो अन एकेडमी रो प्लस स्टूडेंट तो मो प्रिपेरेसन सेटु स्टार्ट हेतला मो फर्स्ट फर्स्ट एते बल्की बय न पड़ी फर्स्ट फर्स्ट माने अन एकेडमी रो एजुकेटर मान क्लास ही करथिली तो सेटु मोर बेसिक फंडामेंटल स्टार्ट हेतला तो समस्त आपन क्लास हो कि पुरुषोत्तम सर क्लास हो सेटु ही बेसिक पढ़थिली तापर बेसिक जिनस सरला पर मु स्टार्ट करथिली जेमति पॉलिटी रे लक्ष्मीकांत बुक हो कि मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम एनसीईआरटी ज्योग्राफी पे एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स पे तो करंट अफेयर्स सहित रिलेट कर पढ़ाक पड़े तो द हिंदू ता सहित रमेश सिंह रे किछ पोर्शन से टाइप प्रिपरेशन चलता। अच्छा तबे गोटे जिनस मु तमठु जानिली कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे तमे जो जो बुक जमी कह एम लक्ष्मीकांत हो स्पेक्ट्रम हो रमेश सिंह हो या तमे जेहेतु अनअकैडमी लॉ स्टूडेंट मु जानिछि तनो अनअकैडमी रो जो एजुकेटर माने पढ़ोतिले सेटा तमरा बेसिक्स क्लियर हेछि बहुत बढ़िया। सो संग्राम मु एटा जानिया पई डेफिनेटली चाहेबी जेपे हाईकोर्ट एएस रो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हबो बोली डेट डिक्लेअर हला सेबे थारु एग्जामिनेशन पर्यंत तम स्ट्रेटजी कौन थिला से लास्ट 30 डेज से जो टाइम थिला तमरा से स्ट्रेटजी प्लान तमे कौन कले से जो लास्ट जो किसी दिन तुम पाखे थी तुम जान लो कि मोर प्रीलिम्स ए दिन हम कौन तुम प्रिपेरेसन स्ट्राटेजी थिला?
सर हाइकोर्ट एस एग्जाम हबार 20 दिन पूर्व पाखापाखि ओएस प्रिलिम्स थरीला तो ओएस मु फुल प्रिपेरेसन करी से जीएस प्लस सीसैट मैथ इंग्लीश रिजनिंग भी थिला तो ओएस मु लास्ट देढ़ मास पाखापाखि पूरा एम सी क्यू एम टेस्ट सीरीज देखी तो मोर प्रिपेरेसन ओएस पर्यंत सरी जाइए तो लास्ट 20 दिन जो रहा हाइकोर्ट एस केवल प्रिभस इयर एएसओ क्वेश्चन प्लस एस एस सी सी जी एल और सी एच एस एल क्वेश्चन से गुडाक भी सल्व करी और टेस्ट सीरीज दे सर्च पाइली से गुडा सो संग्राम मु जानिया को चाहे भी तमे जेमती कहिल कि तमे बहुत टेस्ट सीरीज देथिल माने मॉक टेस्ट देथिल तमे मॉक टेस्ट कोठु माने प्रिपेयर होतल त मॉक टेस्ट तमे कोठु दउथिल सर मॉक टेस्ट मु ऑन एकेडमी रे रेगुलर मॉक टेस्ट हुए सेथरे जॉइन करे प्लस लाइव क्लास रे भी लाइव क्विज हुए ताको अटेम्प्ट करे ता सहित मु प्रैक्टिस टेस्ट बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेटा टेस्ट सीरीज हिसाब रे मु सॉल्व करे और एमसीक्यू बुक रे सॉल्व करे अच्छा संग्राम मुझे जानने पे चाहें भी गोटे स्टूडेंट पे मॉक टेस्ट रो इम्पोर्टेंस कहते सर मॉक टेस्ट रो कह गले बहुत इम्पोर्टेंस अच्छे आपण जेते पढ़िले भी एग्जाम रे भूल एग्जाम रो सेटा फील न कले एग्जाम भूल कलिबे जाहेले तो सेटा मु फील करथिलि ओएस प्रीलिम्स बेले मु से अमाउंट रो दे नथिलि टेस्ट सीरीज जा फल रे मोर प्रीलिम्स रे 4टा कि 5टा क्वेश्चन मु सिली मिस्टेक करथिलि आउ सेट तो मार्क मु हरै थिलि तो प्रीलिम्स रे भी मु केवल से बॉर्डर रो कटि जाइथिलि गोटे दिन मार्क पई तो से रिजल्ट परे मु फील कलि जे टेस्ट सीरीज जदि मु देइ थांदी तो कॉन्फिडेंस जो 4टा 5टा क्वेश्चन सिली मिस्टेक करि भूल कलि तो मोर आराम से क्लियर हेइ जाइ थांदा तापरे प्रीलिम्स परे मु आसी तब हाई कोर्ट एस पॉइंट एस री देथले संग्राम एठी मु गोटे क्वेश्चन रो आंसर डेफिनेटली जानिया को चाहे भी तम जेमती कहिलो कि तमे ओएस प्रीलिम भी देथलो कोन जने स्टूडेंट साइमल्टेनियसली ओसीएस और एएसओ पॉइंट प्रिपरेशन कर परिबो ना एएसओ पॉइंट तको किछि स्पेशल प्रिपरेशन माने इस क्वेश्चन बहुत कम माने बहुत स्टूडेंट कर कि मु ओसीएस पॉइंट प्रिपेयर हेबी या एएसओ पॉइंट प्रिपेयर हेबी एएसओ प्रिपरेशन कोन टोटली डिफरेंट या साइमल्टेनियसली जने प्रिपेयर हे परिबो जंति कि तमे कहथलो कोन कहबा आप किछि डिफरेंट रहबा दरकार नै काई ना मु तो साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करथिलि काई ना जीएस जा पर्सन रहउछि जीएस रे प्रीलिम्स ओएस पॉइंट प्रिपेयर कर पड़ो आ सीसैट अंडर रे हमर मैथमेटिक्स रीजनिंग इंग्लिश पेपर आसी जाउछि आ बाकी सेक्रेटेरिएट यूज रे जो इंग्लिश आ ओडिया ग्रामर आसी ताको तो हमें ओएस रो मेन पई कंपलसरी पेपर 300 मार्क रो आसी तो सेठी भी ओडिया ग्रामर 100 मार्क इंग्लिश ग्रामर 100 मार्क आसी तो गोटे पिला जदि मेन पई भी प्रिपेयर करिवो तो तार सेक्रेटेरिएट यूज रो ग्रामर पई भी प्रिपरेशन सरी जिवो पैरालल चली परबो किछ असुविधा नै मो बाबूजी आ ता अर्थ संग्राम मो ए बाबूजी कि तम कहबा कथा कि जदि जने स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करूची जतळे से एएसओ पई प्रिपरेशन करूची सपोज ओडिया लैंग्वेज उपरे से अधिक फोकस करूची सेक्रेटेरिएट एएसओ कथा में कहबा बिकॉज़ हाई कोड एएसओ तो सरी जायची सेमती इंग्लिश उपरे भी जदि से अधिक फोकस करूथिबो मैथमेटिक्स उपरे भी जदि अधिक फोकस करूथिबो सो जदि हमें लैंग्वेज पेपर को देखिबा जेहेतु ओसीएस जदि से पिला प्रीलिम परे भी पुनी मेन एग्जामिनेशन दबा पुनी एटा कंपलसरी पेपर राइट भल हबा भी दरकार तो नो जने पिला साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन कर परिबो एठी जदि से किछ अधिक एफर्ट देछि डेफिनेटली आगामी दिन रे ताकू बहुत ही हेल्प करबो ठीक अछि सो संग्राम बतन आमे आगु को जिबा आगु को माने आउर बहुत सारा दिन सब हम जाने चाहेंगे तमर जतले ओडिसा हाई कोर्ट एसो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्लियर हे गला मेन एग्जामिनेशन पई तमर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कोन थिला से समय बहुत सारा क्वेश्चन एटा आसुतला बिकॉज़ 2014 रे लास्ट टाइम में एग्जामिनेशन हेतला के को टाइप रे पेपर रहिबो कोन नाही तमे मेन पई केमिति प्रिपेयर होथिला सर रिकॉर्ड एस रिजल्ट जों बाहर थिला से दिन सब तार अध घंटे पूर्व ओएस रो प्रीलिम्स रिजल्ट भी बाहर थिला तो ओएस प्रीलिम्स रिजल्ट रे मोर अनफॉर्चुनेटली गोटे दिन मार पेंग कटि जाइथला तो सेटा तो खराब लागथला भारी किंतु तार आधा घंटे पर एस रिजल्ट भाला एवं मेन पेंग केवल 19 दिन टाइम ही दिया हितला तो सेथरे कन्फ्यूजन बहुत थिला कि एग्जाम पैटर्न कोन होबो लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो कि एमसीक्यू आसीबो तो सेटा मु फर्स्ट गोटे दिन नेइथली बुझिबा पें एग्जाम पैटर्न कोन मु जेमति कि आपन विभु सर को गाइडेंस रे मु प्रिपरेशन करथली तो तांकू ही पचारथली पुरुषोत्तम सर को पचारथली प्लस हाईकोर्ट कोर्ट एग्जाम जो थिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे जो एग्जाम पैटर्न थिला लास्ट वन ईयर रो तार क्लरिकल पेपर मु कलेक्ट करथली तो तार क्वेश्चन पेपर देखथली तो सेथिरे एग्जाम पैटर्न जहा थिला तार डिस्ट्रिक्टिव ही थिला मैथमेटिक्स हो कि इंग्लिश हो तो सेथिरु मु श्योर हेतली जे माने आसीबो एमसीक्यू आसीबनी लॉन्ग क्वेश्चन भी आसीर अछि तो से जो लास्ट 19 डेज रहिला त
मुझ लंग क्वेश्चन ही प्राक्टिस करी प्लस मोर एनसर राइटिंग प्राक्टिस एनसर राइटिंग मुझे डेली करे वेस तार भी बहुत इम्पोर्टेन्स थिला तो मोर एसे लिखा ट्रांसलेसन करवा तो प्राक्ट आगे थिला तो सहीटा मतलब बहुत हेल्प कला हाइकोर्ट एएसओ मेन्स रे सो संग्राम मु एया बुझिली जेहेतु तमे ओसीएस पे प्रिपेयर होतुलो तमरो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थिला सो दैट तमकु माने सेटी एसे लेखिवरा प्रॉब्लम हेलानी तमे आराम रे एसे लेखि देलो ओके अच्छा तमे 1 ईयर हेला आंसर राइटिंग डेली करूछि तो अमर हाथ रे फ्लो ठीक से चली थला लेखिवर कोन असुविधा हेलानी अच्छा तमे ओसीएस पे भी प्रिपेयर होचो बोले कहउछ आंसर राइटिंग डेली हबा दरकार की हाँ सर आंसर राइटिंग डेली हबा दरकार प्रैक्टिस बनवा दरकार नहले मेन एग्जाम पे लास्ट को जदि भाबियो कंटेंट क्लियर कर कर दिबा और लास्ट 1 मंथ ही प्रैक्टिस करबा तो बहुत डिफिकल्ट हो जइबो लेखिवर अच्छा डेफिनेटली मु मध्य स्टूडेंट्स मान को कहिबे जेंति के संग्राम आपन को सजेस्ट करू छी जो माने ओसीएस पे माने एएसओ सहित प्रिपेयर हो चंति अ मिनिमम गोटे क्वेश्चन आंसर राइटिंग करबा उचित अपन माने वीकली 3 टू 4 डेज दे परिबे बट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रहबा दरकार जा फले यह बहुत हेल्प करतला संग्राम को हाई कोर्ट एएसओ मेंस एग्जामिनेशन रे अच्छा सो संग्राम वर्तमान मो जानिबा को चाहिबी तमर जतले हाई कोर्ट एएसओ मेन एग्जामिनेशन रिजल्ट बाहर गला देन तापरे बहुत मात्र 3-4 दिन बोधे थिला मु भाबुची से समय जतले तमे मते जानै थिला स्किल टेस्ट पे तमे कित केमिते कौन प्रिपेयर हेलो कौन क्वेश्चंस आसीतला मात्र 3-4 दिन भितरे आ सेम डे भी तमार इंटरव्यू हे थिला के स्किल टेस्ट पे प्रिपेयर हेला स्किल टेस्ट पे त मु प्रिपेयर नथिले अगुआ काईना मु भाबिथली जे मेन रिजल्ट बाहला पर एटलीस्ट 10 दिन कि 15 दिन टाइम मिलबो किंतु बहुत जल्दी हे गला तो सेतमे मु स्किल टेस्ट तो वर्ड पावर पॉइंट आउ एक्सेल ही क्वेश्चन आसला तो मुझे 3 दिन भितर केवल थियोरी आसवर थिला तो एमसीक्यू किसी देखली प्लस घरे निज लैपटॉप रे अल्प किसी प्रैक्टिस करी तो बेसी हाई लेवल प्रिपेरेसन होनी तो केवल स्किल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर थिला तो केवल मतलब पास करिवार ही थिला तो सेथिपई मु सिंपल प्रिपेरेसन रखथिली 2-3 दिन भितर एक्सेल आउ वर्ड्स रो क्वेश्चन आसला हां वर्ड रो गोटे क्वेश्चन एक्सेल रो गोटे क्वेश्चन अच्छा देन संग्राम इंटरव्यू सेम डे हेला इंटरव्यू रे तुमको कौन क्वेश्चन पचारिले आउ इंटरव्यू जो पैनल थिले से फ्रेंडली थिले यस सर इंटरव्यू पैनल बहुत फ्रेंडली थिले तो बहुत फॉर्मल इंटरव्यू हेतला हमरो माने सेमती किसी माने क्वेश्चन किसी पचार नथिले जस्ट एमती एनालिटिकल क्वेश्चन किसी पचार थिले मो एजुकेशनल बैकग्राउंड को नहीं पचार थिले जे तमर तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो तमे प्राइवेट सेक्टर रे भलो जॉब कर परथान तो गवर्नमेंट सेक्टर को कहीं आसिलो तो मुझे आंसर दिली जे ना मोर गवर्नमेंट सेक्टर जॉब पे हाईली इंटरेस्टेड तो सेठी से माने मते एनालिटिकल क्वेश्चन गोटे पचारे जदि तुम गवर्नमेंट जॉब पे चाहो तो यूपीएससी कहीं दौन से तो अधिक अपॉर्चुनिटी तुमको मिल तो से क्वेश्चन गोटे ट्रिकी क्वेश्चन पचारे जब कही था यूपीएससी पे प्रिपेरेसन करुच्ची तो सही से मैंने मत मे भी पचार था तो यूपीएससी होगा छाड़ी पलिज तो सही मुझे मैनेज करी ना हाईकोर्ट एस हम भल भले कन्विन्स कर और बाकी समाने आउ किछ क्वेश्चन पचार नथले एम तो पचारथले 2019 नो तमर कंप्लीट हेलाणी आउ 1 इयर हेला कोन करथलो एमिति ही पचारथले बाकी 7-8 मिनिट इंटरव्यू रहितला मोर बाकी एमिति फॉर्मल ही थिला आउ इंटरव्यू पैनल बहुत फ्रेंडली थिले संग्राम मु जानिया को चाहिबी तमे मेन एग्जामिनेशन रो प्रिपरेशन स्टार्ट होछि मते तमे जानैलो तमे को बुक फॉलो करथिलो कि या तमे कोठी क्लास करथिलो या मेन पे तमे केमति कोन माने सोर्स तमर कोन थिला सर मेन एग्जाम पे तो आपण जानिथिबे तीनटा केवल सब्जेक्ट थिला इंग्लिश प्लस जीके और मैथमेटिक्स थिला तो मैथमेटिक्स पे मु आरएस अग्रवाल बुक जो था अच्छी हमरो एप्टीट्यूड पे तो तार किछ बड़ बड़ क्वेश्चन सॉल्व करथिली जोटा कि डिस्क्रिप्टिव रे आसी परबा बड़ क्वेश्चन तो सेटा सॉल्व करथिली प्लस मेन बुरबुर पुरुषोत्तम सर को गोटे कोर्स लॉन्च हेतला मैथमेटिक्स रे रिविजन कोर्स तो से कंप्लीट प्रैक्टिस करोथले तो सेटा मु फॉलो करथिली आउ इंग्लिश पे कहिया गले इंग्लिश रे तो थिला ट्रांसलेशन ओडिया रु इंग्लिश इंग्लिश रु ओडिया प्लस प्रिसाइज राइटिंग तो सेगुडा सब मु ओसीएस रो प्रीवियस इयर क्वेश्चन आगुरु भी प्रैक्टिस करथिली लेखिथिली निजे करथिली सॉल्व करथिली तो ताकु रिविजन करथिली प्लस एसे पे जहाँ भी आम इम्पोर्टेंट एसे थिला किसी वुमेन एम्पावरमेंट हो तो कोविड रिलेटेड एसे तो गोटे आसवर जहाँ थिला तो सेटा बहुत प्रैक्टिस करथिली डाटा सहित आउटा भी आसीला एग्जाम तो मोर किसी लेखार असुविधा हेलानी एटा इंग्लीश कला आउ जिके मुझे कहली वेस्ट पाई भी प्रिपेयर करी मो प्रिलिम्स सरला तो मोर मो पाखे रिविजन नोट थिला तो वन लाइन आसवर थिला एग्जाम पैटर्न अनुसार तो लास्ट 20 दिन भितर तो बुक आउ पढ़ी हेनी तो से गुड़ा ही रिविजन करी
जीके पाई संग्राम बर्तन मु जानिया चाहे भी करंट अफेयर्स पाई त माने स्ट्रेटजी कोन थिला मैक्सिमम पिला पाथरांदे करंट अफेयर्स रे स्ट्रेटजी आ हाई कोर्ट एएसओ पाई तमे लास्ट केते मास रे करंट अफेयर्स देखितला तमर सोर्स कोन थिला सर हाई कोर्ट एएसओ पाई मु तो जेबेटु प्रिपरेशन स्टार्ट करसी करंट अफेयर रे ओएस पाई तो मु स्टार्ट करसी जेबेटु औ हम तो सेबेटु डीएनए क्लास आपन कर 8टा बेलार देखि चालची तो डीएनए क्लास मु सब दिन करे प्लस सेथिरु ही निजर नोट बनाए तो मु लास्ट डेढ़ वर्ष है करंट अफेयर आप एनालिसिस देखुची तो से मोर गोटे बेस बनी जाइला आ हाई कोर्ट एस बेसी पढ़वार नाला तो छस लास्ट छस बहुत भलसे पढ़ी आ लास्ट 12 मंथ रवल खाली ओभरलुक ही करदे करंट अफेयर संग्राम मुझे जानवाक चाहिए तुम्हें जमीक कहल तुम्हें अनकाडमी प्लस सब्सक्राइबर अनकाडमी तुम बहुत दिन हम क्लास करु केबे थरो अनकाडमी रे तमे क्लास करू छ अनकाडमी रे तमरो जर्नी ए पर्यंत हाई कोर्ट एसो हवा पर्यंत केमती थिला मु ति कहबे जे अनकाडमी मु जॉइन करियो पूर्वरु फ्री क्लास गुडे करथली फ्री क्लास प्लस यूट्यूब क्लास करथली त मु सब्सक्रिप्शन नेथली 2020 अगस्ट मास रे अगस्ट मास रे नेथली आ 2 इयर रे सब्सक्रिप्शन नेथली ए पर्यंत म सरी नि और 6 मास बाकी अछि त मु सेबेडु मु ऑनलाइन क्लास आज जॉइन करली मु जेनि कहउथली अमर जीएस रे जीरो जीरो थिला पर नॉलेज तो एते स्टार्टिंग रे एते मोटा मोटा बही देखी मु ओकी बही किनी थली कि मु पढ़ी लेनी डर रे तो फास्ट मु भाबी थली जे बेसिक क्लियर करियर अछि तो फास्ट 5 मास कि 6 मास मु सब एजुकेटर को क्लास कर छी मु जहर भी क्लास देखे क्लास देखी छी ताकु बारंबार रिविजन कर छी तमर थरे कंप्लीट हेला परे गुडे बेस बनिला परे ही बही स्टार्ट करथली तो ए पजंत भी जणी चली छी तमर मैं ऑप्शनल मेन पाई भी क्लास होची तो प्रीलिम्स पाई मोर तो कोर्स कंप्लीट अछि किंतु एबे ऑप्शनल और मेन पाई प्रिपरेशन चली छि तो सब्सक्रिप्शन भी अछि जेपन तो ओएस न होई छि तो चली थियो जानी ऑन एकेडमी ओके संग्राम मु जाने को चाहे भी बहुत स्टूडेंट्स का क्वेश्चन तो टाइम मैनेजमेंट कौन थिला आ जने स्टूडेंट्स कितने टाइम पढ़ीबा दरकार बहुत कॉमन क्वेश्चन सब पिलांका सर मुझे भावे के टाइम इम्पोर्टाट नुहे के टाइम इफेक्टिवली तुम पढ़ी पार से इम्पोर्टाट कहीं तुम जब 6 घंटा बही पाखे बस तो आउ किसी कम तो एपते रोथ मैंने 2 घंटा ही पढ़ी पार लाभ ना जिते समय पढ़ुच मैंने भलसे ही पढ़िया दरकार आउ पढ़ापी टाइम मैनेजमेंट कह दीटा कैटेगोर पिला था गोटे फुल टाइम प्रिपेरेसन आउ जब सहित प्रिपेरेसन करती मोर तो पूरा फुल टाइम प्रिपेरेसन ही तो मोर प्रिपेरेसन मोर पूरा टाइम मोर पढ़ा को ही दिए आउ इफेक्ट भी ना भी मु बस मान चेष्टा करे जे बही पाखे 10 घंटा 12 घंटा बस तो ता भितर 6 घंटा कि 8 घंटा इफेक्ट प्रिपेरेसन पलैसे भल आउ स्ट्रैटेजी बन कि पढ़ते सब बेले कहीं टाइम मैनेजमेंट हे जिते तुम टाइम टेबुल तुम पाखे थी तुम सका उठिकी कि मैंने आगे गोटे मस स्ट्राटेजी थी आउ डेली रो स्ट्राटेजी बनाऊ मैंने गोटे दिन में मत ये ही पढ़ियार अच्छे जहाद्वर कि तुम निज ट्रैक रोज हाँ हाँ मुझा ही पढ़ी जाऊँ एमती बसिक मैंने आपोजिट पढ़ले आज यहाँ पढ़ी कल से पढ़ी किसी हेनी निजे टाइम टेबुल सेट कर डेली आईटा कि आचिव करूँ से ठीक हो थैंक यू संग्राम संग्राम बहुत बहुत धन्यवाद तुम ठारे बहुत किसी शिखा को पाइलु बहुत किसी जानवा को पाइलु तुम प्रिपेरेसन तुम जर्नी तुम एजुकेशनल बैकग्राउंड प्रिलिम स्ट्राटर्जी मेन स्ट्राटर्जी टाइम मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंट बुक्स फॉलो करूल अनकाडमी तुम कमी कौन क्लास करूल मोर आउ किसी क्वेश्चन अच्छे डेफिनेटली तुम आंसर दब संग्राम बर्तमान टाइम जितेबले कोविड रिच्छे रेस्ट्रिक्शन अच्छे तुम ऑनलाइन प्रिपेरेसन करूल ऑनलाइन प्रिपरेशन गोटे स्टूडेंट पाई केते इम्पोर्टेंट सर ऑनलाइन प्रिपरेशन तो मोर स्टार्टिंग ऑनलाइन तो कोविड गाइडलाइन भीतर ही मोर प्रिपरेशन फास्ट स्टार्टिंग हेतला जते मु पढ़िया स्टार्ट करथली तो सेते बळे पूरा रेस्ट्रिक्शन तो थिला फास्ट वेव चली थिला आ रेस्ट्रिक्शन पूरा 6 मास पाखा पाखी लागिला तो सेते बळे मु फास्ट तो ऑनलाइन एजुकेशन सहित अक्वेंटेड नथली तो अनअकाडमी सहित हम स्टार्ट करथली तापर मासे कि 2 मास पढ़ सला पर मु सेडा फील कली जे अनअकाडमी ऑनलाइन एजुकेशन डा माने गुटे निज हैबिटेट भीतर रहिकी कंफर्ट जोन ले रही पढ़िया पड़ू कहीं मु भी निजे मो प्लस टू पर कि इंजीनियरिंग पर ऑफलाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दुटा बड़ बड़े कोचिंग भी नहीं सारी तो ऑनलाइन एजुकेशन मत ये भल लगे जे मैंने जो
ना निज कम्फर्ट जोन रही निज टाइम अनुसार तुम जब क्लास भी मिस कल रेकर्डेड देखा कि गोटे एजुकेटर क्लास जी भल लगुच तो सेकेंड टाइम देख ल तो मैक्सिमम ने समस्त गोटे जियोग्राफी तुम जे जन पल बुझीपाली आउ जन सब पढ़ बहुत बेनिफिट रोच तो से बेनिफिट को देखिक मानने सिलेक्टिव हो पढ़वर अच्छी कि एत एजुकेट अच्छे समस्त क्लास बारंबार देखार अच्छी तुमको देखिक चूज करार अच्छी क्या पढ़वर अच्छी के संग्राम बर्तमान तुम हाइकोर्ट एएसओ हो सारी बहुत खुशी कथा बर्तमान सेक्रेटेरिएट एएसओ रो नोटिफिकेशन आसी सारी जो मैंने सेक्रेटेरिएट एएसओ एंड सेक्रेटेरिएट एएसओ तुम जब एग्जाम पैटर्न जानी गोटे ही प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देन स्किल टेस्ट जो मैंने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन प्रिपेरेसन कर कौन कह कौन करवा उचित से सजेसन देवी किसी भी एग्जाम अटेम्प्ट करिया पूर्व प्रथम तरह सिलेबस को देखंतु एग्जाम पैटर्न को बुझंतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखंतु जे को लेवल ल क्वेश्चन पढ़ुची तो से लेवल ले ही प्रिपेरेशन करंतु आ जहाँ भी पढ़ुची सिलेबस भितर जति अछि सेति पढ़ंतु सपोज कि एएसओ रे केवल मॉडर्न हिस्ट्री अछि तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ंतु बाकी किसी पढ़िया दरकार नहीं तो सिलेक्टिव हो पढ़ंतु आ को पैटर्न ल अछि करंतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करंतु आ एमसीक्यू जते पर्टेन सॉल्व करंतु काई ना एमसीक्यू ही कॉमन एग्जाम अछि रिटेन नहीं मैंने लंग क्वेश्चन लिखा नहीं तो एमसीक्यू ही करार अच्छी तो ये तीन मस कि चार मस भर एग्जाम होबार अच्छी तो जिते पॉसिबल एमसीक्यू सॉल्व करूँ आउ टेस्ट सीरीज दिंतु कहीं टेस्ट सीरीज मुझे कही सारी बहुत इंपोर्टेंट तो टेस्ट सीरीज दिंतु निजर परफॉर्मेंस को मेजर करूँ आउ आगे बढ़िवार हेल्प कर बहुत डेफिनेटली संग्राम तुम कथा आम स्टूडेंट्स मैंने निश्चिंत मन रखे जड़े एसओ जेके हाईकोर्ट रे बर्तमान जॉइन करने को जाऊँच सेक्रेटेरिएट एएसओ प्रीलिम कौन प्रिपेरेशन स्ट्राटेजी रहा तुम जन संग्राम बहुत बहुत धन्यवाद तुम आम बहुत मूल्यवान समय देकी आसीच एंड बहुत सुंदर आमर रहा भी ये कथबार्ता आम सबकि जानलु पुणी थर तुम सहित केवे भाग्य देखा हम पुणी थे तुम मानु स्टूडेंट्स मैंने किसी जानवाक चाहिए उचित प्रिपेरेशन स्ट्राटेजी से विषय भी आपको जनइले आशा आपको ये वीडियो भल लगी वीडियो भल लगी निश्चिंत लाइक करेंगे सांग मान को शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं धन्यवाद।